अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल लिया है, उसमें हमने एक मीडियम साइज़ का जो है प्याज को हमने काट लिया है, एक शिमला मिर्च काटी है और एक बंद गोभी, एक टमाटर, इन सब चीज़ों को मैंने छोटा छोटा काटा है। जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपने भी इस तरह ही काट लेना है और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें आपस में। मेरी सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें जो है एक अंडा डालूंगी। अंडे में मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया था और इसको मैंने फेंट के रख लिया था। कोई भी चीज़ आया मत किया करें, सब सारी चीज़ें जो है बर्तन से साफ कर लिया करें, इससे आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें हम साल्ट शामिल करेंगे। वन टेबल स्पून दड़ा मिर्च। ये दड़ा मिर्च ही है बट स्क्रीन में जो है वो थोड़ी सी और शो हो रही है, लगता है दूसरी सिंपल जो है वो सिर्फ सुरख वाले मिर्चे हैं। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, उसमें हमने थोड़ा सा लहसुन लेंगे, लहसुन हमें ज़्यादा नहीं लेना, और मैं जो है लहसुन को हल्का फ्राई कर रही हूँ। लहसुन को भी आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें जो मैंने बैटर तैयार किया है वो डालूंगी और जो हमारा ऑमलेट है उसको फ्राई करूंगी। थोड़ा सा मैंने डूंगे के साथ लग गया था तो मैं उसको भी साफ कर रही हूँ। अब हम इसको 5 मिनट के लिए जो है वो डंप कर पकाएंगे। तो लीजिए हमारा जो है वो ऑमलेट जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। हम इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये ऑमलेट जो है वो 3 से 4 बंदे जो है वो आराम से खा सकते हैं। तो लीजिए मेरा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।